हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके शरीर में ऐसे कौन से साइन, सिम्टम, लक्षण आ सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं अगर आपके अंदर कोई विटामिन, वाइटल अमीन, विटामिंस की कोई कमी तो नहीं है। सो क्यों होता है न्यूट्रिशन में कमी, ये आप अच्छे से जानते हैं। खान पीन अच्छा नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आप रोज एक ही तरीके का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, ऐसी चीजों में प्रॉब्लम, बहुत सारे और कारण है। लैक ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट आपको कई सारी बीमारियों के कई सारे लक्षण पैदा करने में बिल्कुल समर्थ है। तो अगर आपको कोई भी इस प्रकार का लक्षण हो रहा है, राइट, अगर आपको कोई बॉडी साइन सिम्टम दे रही है कि अपने शरीर पर ध्यान दो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से लक्षण है, ये लक्षण किस चीज के हो सकते हैं, और उसी के मदद से आप नेसेसरी एक्शन ले पाओगे कि भी आप अपनी बॉडी को उस बीमारी तक पहुंचने तक रोकें, आप उसके जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी गड़बड़ है, उसको उसको पहचान सकें। तो इसके लिए जो सबसे कॉमन 7 कॉमन साइंस हैं विटामिन डेफिशिएंसी के, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहला साइन है मुंह के आसपास छोटे छोटे छाले या अल्सर्स हो जाना, जिसको हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं, और ये होता है ज्यादातर आयरन या बी विटामिन्स की कमी की वजह से। 28% तक जो पेशेंट्स हैं जिनके मुंह में अल्सर्स होते हैं, उनके अंदर B2 यानी राइबोफ्लाविन, थायमिन B1 और पाइरिडॉक्सिन यानी B6 विटामिन की कमी देखी गई। इस लेजन जो होता है, जो छाला होता है मुंह के आसपास होता है, वो कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज के साथ साथ मतलब पार्टली कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी के वजह से भी हो सकता है। सो ये डेफिशिएंसी का एक साइन हुआ। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, थायमिन, पाइरिडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, सीड्स में होता है, एग्स में, फिश में, मीट में, पोल्ट्री में, नट्स में, स्टार्ची वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में होता है। जो फूड आयरन के लिए रिच है वो है आपका मीट, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, फिश, होल ग्रेन्स में भी आयरन थोड़ा होता है, लेग्यूम्स में भी आयरन होता है। तो एक बैलेंस डाइट लेने से ही आपका ये पूरा रह सकता है। और दूसरा साइन है अगर आपके नाखून जो है वो ब्रिटल है, आराम से टूटे हैं। सो ये B7 जिसको हम कहते हैं बायोटिन, बहुत सुना होगा, ये आपके फूड को, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हेल्प करता है आपके अगर इसकी कमी हो तो आपके बाल, आपके नेल्स, इन चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रिटल हो सकते हैं। So, अगर आपको बायोटिन डेफिशिएंसी है तो ना सिर्फ बाल, ना सिर्फ नाखून, आपके मसल में क्रैम्प्स, आपको क्रोनिक फटीग जैसे सिंड्रोम्स, आपके हाथों में टिंगलिंग आ सकती है और बाल पतले भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी या एंटी सीजर दौरे पड़ने वाली अगर कोई दवा लेता है या एंटीबायोटिक अगर लंबे समय तक रहता है, तब उस पर्टिकुलर लोगों के अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी बायोटिन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, बायोटिन के लेवल को रिप्लेनिश करने के लिए जो बेस्ट फूड है वो है फिश, मीट, एग, डेयरी, पोल्ट्री, एग योक, स्वीट पोटैटो, होल ग्रेन ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, नट, सीड्स और बनाना। सो बहुत सारा फूड है जिसमें बायोटिन होता है, तो कुछ ना कुछ इसमें से आपके शरीर में जाना चाहिए। थर्ड बिग सिम्टम है डैंड्रफ एंड इची स्काल्प, सर पे खुजली होती है, डैंड्रफ जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। इसमें आपके जो शरीर है, सर का स्किन है, वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है और ऑयल के वजह से और वहां के एरिया में डेड स्किन की वजह से फ्लेकिंग होती है, इची स्किन बन जाती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जनरली आपके आर्मपिट्स, ग्रोइंस और अपर इस जगहों पे अफेक्ट करता है जहां पर आपके, लेकिन फिर भी डैंड्रफ जो होते हैं आपके बालों वाले एरिया में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये जो डैंड्रफ है ये कॉज करता है बहुत सारी, इसके जो कारण है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, विटामिन डेफिशिएंसी उसका एक मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट में B12 में आपके B2 जिसको राइबोफ्लाविन, नियासिन B3, पाइरिडॉक्सिन B6 और जिंक, इनकी इंट्रेंसिक कमी देखी गई है कि अगर आपके शरीर में ये कम है तो आपको इन बीमारियों का, जो डैंड्रफ, पिची स्काल्प वाली बीमारी ज्यादा जल्दी होती है। So, क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, ये चीजें मिलेगी आपको नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड, होल ग्रेन और मीट में। ये इसके अंदर क्या है, जिंक ज्यादा मात्रा में है। और अगर आप राइबोफ्लाविन, नियासिन और पाइरिडॉक्सिन की बात करें तो वो मिलेगा आपको नट्स, लेग्यूम, पोल्ट्री, ग्रीन वेजिटेबल, सीड्स, ऑर्गन मीट, फिश, होल ग्रेन, ये सारे जो है अच्छे सोर्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको खाते रहनी चाहिए, मिक्स डाइट बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी चीज है विटामिन सी। जी हाँ, ब्लीडिंग गम्स, अगर आपके दांतों में से खून निकलता है ब्रश करते समय, सो डाइट जिसके अंदर विटामिन सी कम होगा उसके वजह से हो सकती है। और लंबे समय तक अगर विटामिन सी कम हो जाता है तो दांत भी आपके जा सकते हैं, ये भी एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम कह सकते हैं स्कर्वी।
स्कर्वे, ये बीमारी आपके विटामिन अफेक्ट कर सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को, सबको कमजोर कर सकती है। ह्यूमन बॉडी अपने आप से बी और सी विटामिन नहीं बना सकती, विटामिन सी और बी नहीं, मतलब आपको ये खाने ही पड़ेंगे। विटामिन सी आपको खाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स। तो विटामिन सी जो है बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के फ्रूट अगर आप खाते हैं, किसी भी प्रकार के वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो उसमें विटामिन सी होता है। कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें ज्यादा होता है, बाकी सारे फ्रूट्स में कुछ ना कुछ रहेगा। सो अगर आप दो पीस फ्रूट भी खा लें, तीन से चार पोर्शन वेजिटेबल्स खा लें, तो आपकी विटामिन सी बढ़ जाएगी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पांचवी चीज है। रेस्टलेस लेग यानी कि आप अनकंफर्टेबली, आप नहीं चाहते लेकिन आपका अपना पैर जो है हिलता रहता है, हिलता रहता है, नींद भी नहीं आती, पैर हिलता रहता है। तो इस चीज में ये देखा गया है कि ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन, लेकिन उसकी लिंक जो है आयरन के कमी से जोड़ी गई है। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपकी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आयरन बढ़ाने के लिए भाई आपको मीट लेना पड़ेगा, फिश लेना पड़ेगा, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स, ये हेल्प करेगा आपको थोड़ा बहुत आयरन बढ़ाने में, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। उसके अलावा हेयर लॉस, अगर आपके शरीर बाल नहीं बना पा रहा अच्छी क्वालिटी के, तो ऑब्वियसली बात है अंदर ही कमी है। घर में खाने को नहीं है तो बाहर पेंट थोड़ी करवाओगे, सेम ही गोज हेयर। अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिन हो रहे हैं, हेयर खराब हो रहे हैं, तो दैट इज अ साइन ऑफ डेफिशियंसी। सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ मैन एंड वुमेन दोनों को 50 साल की उम्र तक हेयर लॉस शुरू हो जाता है। लेकिन प्री मेच्योर हेयर लॉस जो जेनेटिकली इवन एट्रीब्यूटेड हो भी, तब भी वो विटामिन डेफिशिएंसीज के वजह से एग्जैसरबेट हो सकता है। तो इसको स्लो करने के लिए आपको कई सारे विटामिन चाहिए, कई सारी डाइट के इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे आपका हेयर में फायदा होगा। उसमें कई रिसर्च भी देखे गए हैं न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट से हेयर लॉस में फायदा। सो क्या सप्लीमेंट? नियासिन P3 जो कि एसेंशियल है टू फॉर हेयर लॉस, उसको लेने के लिए, उसके नहीं होने की वजह से एलोपेशिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। बायोटिन B7 अगेन ये भी हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आयरन, आयरन के वजह से, डेफिशिएंसी के वजह से, बिकॉज बाल के बनने में आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, तो इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रोटीन भी चाहिए, सो एग्स, लेग्यूम्स, फिश, मीट्स, ये जिंक भी दे देंगे आपको। बायोटिन के लिए आप मीट, डेयरी, नट्स, लेग्यूम्स, ये चीजें ले सकते हैं, जो कि बायोटिन के लिए एग, योक, ऑर्गन फ्री, ऑर्गन मीट ले सकते हैं, और नियासिन आपको बाकी चीजों में मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। सातवीं चीज है वाइट ग्रोथ जो मिलेगी आपको आपके आईज पे, वाइट ग्रोथ ऑन दी आईज एंड पुअर नाइट विजन जिसको हम कहते हैं। तो ये सफेद सफेद देख पा रहे हैं ये, या फिर आप कह लो आप रात को अच्छे से नहीं दिखना, यहाँ पर विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। सो आपको रात को अगर अच्छे से नहीं दिख रहा या वाइट ग्रोथ स्पॉट दिख रहे हैं आपके आसपास, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बीटॉट स्पॉट। बीटॉट स्पॉट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो विटामिन ए कहाँ मिलेगा आपको? मीट, फिश, एग, येलो, ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स, जितने भी कलर, डार्क ऑरेंज, जितना गाढ़ा कलर उतना विटामिन ए उसके अंदर आपको मिलेगा, तो वो आप खाएं तो आपके अंदर बढ़ेगा। ऑल इन वन अगर आप एक सिंगल सोल्यूशन चाहते हैं कि भाई मैं इतना हिसाब किताब नहीं, तो आपको एक विटामिन, मल्टी विटामिन, कंप्लीट मल्टी विटामिन, जैसे कि रीवाइटल, आप रीवाइटल ले सकते हैं। रीवाइटल इज एक्चुअली अ कंप्लीट मल्टीविटामिन, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर नेचुरली आप जिंसिंग 10 प्रकार के विटामिन, 9 प्रकार के मिनरल्स आपको हेल्प करते हैं आपके डेली एनर्जी नीड्स के। और इवन अगर आप इसके अंदर देखोगे तो 50% हायर कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर नेचुरल जिंसिंग का, जो कि प्रेजेंट है रिवाइटल एच में, जो आपके नेचुरल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाता है। तो रिवाइटल एच जो है इंडिया का बहुत पुराना और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग मल्टी विटामिन है, जो अवेलेबल है आपके आसपास के सारे ऑलमोस्ट लीडिंग केमिस्ट के आउटलेट्स पे। तो ये 18 साल से ऊपर की उम्र वाला कोई भी इंसान ले सकता है, बिल्कुल सेफ है। इसके बेनिफिट्स में इसके अंदर जिंसिंग भी डाला गया है, जो आपके स्ट्रेस, स्टेमिना, आपके एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करेगा, स्ट्रेस को बेटर करेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा थ्रू आउट द डे। 9 प्रकार के इसमें अलग अलग मिनरल्स हैं जो बूस्ट करेंगे आपके स्ट्रेंथ को। इसमें विटामिन सी है, डी है, जिंक है, जो इम्यूनिटी को बेटर करेगा और आपकी आगे बार बार बीमार होते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा। और ये एक काइंड ऑफ सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है, इट्स अ सप्लीमेंट टू इंक्रीज योर वेल बीइंग, वेलनेस के लिए एक सप्लीमेंट है, तो इसको आप ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो दिस इज इट
फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप रिवाइटल लेना चाहें तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और आप जरूर हमें बताइएगा आपको कहीं कोई साइड सिम्टम तो नहीं है कमेंट में लिख के, और वी विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक का बटन, शेयर का बटन जरूर दबाइए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।